क्या हो ढाई अक्षर कहां पर है, कौन सी जगह का है, हैं? ढाई अक्षर जो सोलह अंदर जाती है एक और निकलती है दो, दो हो गए। और आगे में मन के पीछे जो तन की इंद्रियां जो काम करती हैं, ये आधे में कहा गया है, इसी को ढाई अक्षर कहा गया है, यही ढाई अक्षर है। प्रेम जो है वो ढाई अक्षर का जो इस घट के अंदर है, ये पिंडी ज्ञान की बात है। तो कहते हैं हर देश में तू, हर देश में तू, वह परमात्मा हर जगह समाया हुआ है। जो लोग यह सपना देखते हैं कि हमारा ही धर्म रह जाएगा और सबके लोप हो जाएंगे, तो उनकी बुद्धि कुछ नहीं के बराबर है। भगवान का आदेश है, जैसे संसार की समस्त नदियां अंत में सागर में समा जाती हैं, वैसे ही समस्त धर्म मत मतांतर अंत में उस प्रभु में ही समा जाते हैं। तो कहते हैं हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू ये कही है, हर देश में तू, हर देश में तू, हर भेष में हर रूप में कैसे है तू, जैसे पृथ्वी जल वायु और अग्नि ये चार तत्वों के प्रभाव से ये जीवन दिखाई दे रहा है, जल जीव थल जीव आसमान उड़ने वाले जीव जो भी है, ये सब चार तत्वों के अंतर्गत तेरे रूप अने का तू ये कही है, हर देश में तू, हर देश में तू, कैसे है एक उसके लिए बताते हैं। जो सागर है सभी नदियां उसमें समा जाती हैं, उसको सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं, और जब उसका रूपांतर होता है तो नाम बदल जाता है। पांच सौ इंच ऊंचा पवन संधान लालपुर के भैया ये सत्संग में देते हैं, भगवान इनको सुख शांति प्रदान करते हैं, भगवान की दया है। ग्यारह सौ रुपए शिव दयाल उर्फ पप्पू, शिव दयाल प्रधान गढ़ी वाले ये 1800 रुपए का दान देते हैं, भगवान की ऊपर कृपा हो दया हो। सागर से चला पातल बन कर, पातल से चला पानी बन कर, सागर से चला पातल बन कर, पातल से चला पानी बन कर, कहाँ चला भैया, नदियों में चला नहरों में चला, और नदियों में चला नहरों में चला, फूलों में मूल तू ये कही है, देश में तू, हर देश में तू,
से एक रुपया केशव कुमार बीटीसी मेंबर बाजितपुर के रहने वाले हैं, कमालपुर बाजितपुर, कमालपुर बाजितपुर के रहने वाले भैया ये 501 रुपए दान देते हैं इस सत्संग में, भगवान की इनके ऊपर कृपा रहे। ये 100 रुपए का दान डॉक्टर प्रशांत लालपुर के रहने वाले के दे रहे हैं, भगवान की इनके कृपा हो, दया हो। हर नहरों में चला नदियों में चला नदियों में चला नहरों में चला फूलों फूल तू ये कही है देश में तू हर देश देखे आप लोगों को एक बात बताएं, ये सागर है जिसमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और उसको सागर कहा है, और जब सूर्य की गर्मी तेज पड़ती है तो भाप बनकर के आकाश में उड़ जाता है। आकाश में जब उड़ता है तो कोई समुद्र नहीं कहता, उसे बादल कहने लगते हैं, नाम बदल जाता है। और जब आकाश से जब पृथ्वी की तरफ हवा के दबाव से जब पृथ्वी की तरफ आता है तो वह पानी हो जाता है, जिसे बरसात कहते हैं, कोई समुद्र नहीं कहता। और जब नदियों में जाता है तो उसे नदी लोग कहने लगते हैं, नहरों में जाता है तो नहर कहने लगते हैं, कोई सागर नहीं कहता। और जब पृथ्वी पर मिल जाता है, इस पृथ्वी में मिल जाता है तो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बहुत ऊंचाई से ये जल भाप बनकर आकाश की तरफ दौड़ने लगता है। और कहते हैं इसी में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो इन्हीं जल के प्रभाव से ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये कहा कि फूलों में मूल तू एक ही, और ये फूलों के अंदर है वह जल तत्व के माध्यम से वायु तत्व अग्नि तत्व और जल तत्व पृथ्वी तत्व, ये चार तत्वों के सम्मिश्रण से ये जो है तैयार होते हैं। तो इसीलिए कहा है भजन के अंदर, तेरे रूप अनेक तू ये कही है हर देश में तू, हर देश में तू। पृथ्वी से चला सोना बनकर, पृथ्वी से चला सोना बनकर, सोने से चला गहना बनकर। कहाँ चला कुंडल में चला नथुनी में चला, कुंडल में चला नथुनी में चला, कंगन में मूल तू ये कही है देश में तू हर देश में। कहा है ये सोना है, इसको कहा एक वचन में ही कहा गया सोना, और सोने के जितने भी उपकरण बनाए गए, नथुनी बनाई तो उसका नथुनी नाम रख दिया, लौंग बनाई तो लौंग नाम रख दिया, कुंडल बनाया तो कुंडल नाम रख दिया, और कंगन बनाया तो कंगन राम रख दिया, परंतु एक ही चीज है सोना ही है। तो
ऐसे ही वह परमात्मा एक ही है। अनेकों नाम कोट नाम संसार के, जासे कछु न होए, आद नाम अति गुप्त है, जूझ है बिरला। तो कोई बिरला ही आदमी उस नाम को पूछता है, तो इसके लिए कहा है भजन में, जैसे जितने भी उपकरण बनाए गए हैं संसार में अष्ट धातुओं के माध्यम से या पृथ्वी तत्वों के माध्यम से, इनके भी नाम अलग अलग हो गए हैं। और कहा है ईश्वर के बारे में बताते हैं, अगर ईश्वर यानी ये स्वर अगर मानव के अंदर उत्पन्न नहीं होता तो भाषाएं नहीं होती। जैसे आ तो एक डंडा खेचो, ज्यादा देर करी तो दो डंडा खेचे, अक्षर बनाना शुरू कर दिए, और उसी से